शिवेंद्र बोल रहा हूँ ब्लास्टिस्टिक से, और आपका ये जो सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं वर्क फ्रॉम होम 2020, ये बेसिकली अगर आप ठीक से फॉलो कर रहे हो शुरुआत से, तो आपको पता चल ही जाएगा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है एक एक प्रोसेस। और जिन लोग को नहीं पता है, देखिए ये अगर आप थोड़ा बहुत डेडिकेशन से अगर आप कर रहे हो, तो हर दिन आप 1000 से लेके 5000 बना सकते हो, मतलब हर हफ्ता आप 1000 से लेके 5000 बना सकते हो, ठीक है। और है कि ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ FAQ का ऊपर, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, मतलब हम लोग जब भी कोई लीड्स बेचते हैं क्लाइंट्स लोग को, तो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस आता है उन लोग की तरफ से। तो उन लोग की तरफ से सबसे जो भी मेजर क्वेश्चंस का जो भी आंसर है अभी मैं दे दूंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अलग होगा, तो आप लोग पक्का ग्रुप से पूछ लीजिए। ये जो ग्रुप का जो भी लिंक है, ये आप नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, व्हाट्सएप का नंबर में आप पिंग कीजिए, आपको उस ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा डायरेक्टली। इधर ग्रुप का लिंक नहीं दे रहे, नहीं तो क्या हो रहा है कि बहुत जन आ रहा है उधर, एडवर्टाइजमेंट देखे चला जा रहा है। तो बेस्ट होगा कि आप उधर ये पिंग कीजिए, फिर आपको ऐड किया जाएगा। अगर उधर आप स्पैम करो तो आपको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो दो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला जो सबसे कॉमन है वो हम लोग देखे कि ये वाई शैल आई ट्रस्ट यू, मतलब वो कि अच्छा ठीक है, लीड तो बढ़िया है, लीड तो मस्त है, लाइक इधर का लीड है, इतना खर्चा है, मैं आपको लीड का पैसा देने में भी रेडी हूँ, लेकिन आपके साथ मैं कभी बिजनेस नहीं किया हूँ, तो लाइक वाई शैल आई ट्रस्ट यू, है ना। तो इस ट्रस्ट का इशू में आप ये रिप्लाई कर सकते हो कि देखिए हम लोग 2015 से मार्केट में हैं, और 2015 से लाइक मार्केट में उस टाइम हम लोग डेवलपमेंट कंपनी हुआ करते थे, तो हम लोग के साथ भी ऐसी सेम चीज़ हो रहा था कि लीज नहीं मिल रहा था, अच्छा क्वालिटी का लीज नहीं मिल रहा था। इसलिए हम लोग खुद 2017 में हम लोग का ये जो वेब डेवलपमेंट कोलैप्स हो गया, उसके बाद हम लोग खुद वेब लाइक लीज वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट का लीज खुद हम लोग ढूंढने के, तो ये जो प्रॉब्लम है हम लोग को पता है। इसलिए देखिए हम लोग 2017 का नवंबर से मार्केट में है, अभी भी है, 200 का क्लाइंट का ऊपर से हम लोग सर्व कर चुके, अभी तक लगभग 250 हो गया होगा, तो 200 के ऊपर हम लोग क्लाइंट के साथ काम कर चुके। और है कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि ताकि हम लोग मार्केट से आउट हो जाए। और अगर आप चेक करना चाहते हो, हम लोग का फेसबुक आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब चेक कर लीजिए, हम लोग बहुत दिनों से ऑलरेडी है मार्केट में। नंबर टू हो गया कि जनरली वो लोग पूछते हैं कौन सा टाइप का लीड, कुछ कुछ तो फर्नीचर का भी लीड आएगा, फिर हो गया कि रियल एस्टेट का लीड आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ लिमिटेड है आपका लाइक वेबसाइट एंड्रॉयड iOS का लीड, जो थोड़ा हाईफाई हो गया, जैसे हो गया कि SAP का लीड कभी कभी आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग का आता है जनरली, बहुत रिलेटेड है, कोई अगर वेबसाइट बना लिया तो उन लोग को डिजिटल मार्केटिंग का लीड चाहिए होता है। तो लेकिन अगर साफ साफ बताया जाए कि सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ पे फोकस कर रहे, वो है कि हम लोग वेबसाइट एंड्रॉयड iOS का लीड्स में ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं, है ना। मतलब ये जो जो IT कंपनीज है जिन लोग को क्लाइंट्स चाहिए, हम लोग उन क्लाइंट का नंबर ढूंढ के देते। अभी क्या है कि इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बहुत सारा क्लाइंट बोलेगा कि हम लोग को आप प्रोजेक्ट दे रहे हो कि नहीं, नहीं हम लोग प्रोजेक्ट देखिए IT प्रोजेक्ट का लीड दे रहे, हम लोग प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे, हम लोग कन्वर्ट करके एकदम ही नहीं दे रहे, हम लोग जो भी मार्केटिंग करके जो भी नंबर्स आ रहा है ना क्लाइंट का, वो नंबर्स दे रहे, हम लोग डायरेक्टली प्रोजेक्ट कन्वर्ट करके नहीं दे रहे, नंबर्स दे रहे, क्लाइंट को बातचीत करना पड़ेगा, कोटेशन उन लोग का जो भी प्रॉब्लम है समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपना कोटेशन बनाना पड़ेगा, फिर क्लाइंट को क्लोज करना पड़ेगा। हम लोग का काम है मार्केट से क्रीम उठा के देने के लिए, अभी है कि क्रीम को कैसे खाए उन लोग को देखना पड़ेगा, है ना। और है कि अगर वो लोग बोलता है कि नहीं आप क्लोज करके दो, तो क्लोज करने का एक हम लोग का पैकेज है, जहाँ पे हम लोग मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, 1 लाख का 2 लाख का पैकेज है, जहाँ पे अगर क्लोज करके ही हम लोग देते तो वो वाला हम लोग बाद में बोलेंगे, नहीं तो अभी बोलेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। या बोल सकते हो कि अगर क्लोजिंग ही चाहिए, कन्फर्म सेल्स चाहिए, तो मिनिमम हम लोग 1 लाख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का टेलीकॉलिंग में बहुत खर्चा होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट्स रन करने में बहुत खर्चा होता है, इसलिए हम लोग पहले ही पेमेंट ले लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली वो लोग पूछते हैं कि ये लीड्स क्या डोमेस्टिक लीड्स है, डोमेस्टिक मतलब पूछ रहा है कि इंडियन लीड्स है ये, क्या डोमेस्टिक लीड्स है। हम लोग बोलते हैं कि देखिए बहुत सारे लीड्स हम लोग का डोमेस्टिक होता है, और बहुत सारे लीड्स हम लोग का आजकल रिसेंटली हम लोग इंटरनेशनल लीड्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। कोई अगर बोलता है कि शैल आई पे आफ्टर द वर्क इज डिलीवर्ड, मतलब फिर से घुमा फिरा कर कमीशन बेसिस ही बोल रहा है, लेकिन नहीं, हम लोग अगर हर कंपनी को एक एक लीड भी अगर देते रहे, तो एक एक दिन में हम लोग का 1000-1000 लीड्स चला जाएगा, मतलब है कि वी विल ब्लीड मनी, हम लोग का पूरा खून बहता रहेगा, पैसे का खून बहता रहेगा। तो हाँ, तो हम लोग एकदम ही लाइक लीड नहीं दे रहे, ऐसा है कि हम लोग पहले पेमेंट ले रहे, फिर आपको लीड डिटेल्स दे दे रहे, इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है
तो वो हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते क्रॉस चेक करने के बाद, मतलब एक बार हम लोग चेक करेंगे कि लीड उठा रहा है कि नहीं फ़ोन। और है कि कभी कभी होता है कि लीड वैलिड होता है लेकिन वो आईटी डेवलपमेंट कंपनी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो उस सिनेरियो में हम लोग लीड रिप्लेस नहीं करते। ओके, लेकिन हाँ अगर लाइक हो गया कि कुछ कुछ सिनेरियोज अलग रहेगा, जैसे हो गया कि वो लोग 4 लीड ले रहे हैं, 5 लीड ले रहे हैं क्लाइंट्स और आपको अलग से पूछ रहा है, तो उधर हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेके वो एक्स्ट्रा सर्विस हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। हम लोग जो भी पेमेंट आता है हम लोग उस लीड का काम दे देते हैं, हम लोग का उतना ही, मतलब लीड का पैसा आया तो लीड हम लोग दे देते हैं, मतलब हम लोग का मार्केटिंग का काम है। रिफंड पॉलिसी क्या है? जनरली रिफंड पॉलिसी अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई लीड ले रहा है हम लोग से, पैसा दिया फिर लीड ले लिया, फिर सोच लीजिए कि एक दिन दो दिन वो फ़ोन नहीं उठाया तो बहुत जन पैनिक करते कि लीड्स अच्छा है कि नहीं। मैं यही बोलूँगा कि लीड्स बिजनेस में पैनिक मत कीजिए, बहुत सारा लीड्स अच्छा होता है लेकिन बाद में कौन जाने क्लाइंट का दिमाग घूम जाता है तो आपका फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसे ऐसे कभी होता है कि क्लाइंट्स लोग फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या बोलते हैं हम लोग कि आप 3 दिन ट्राई कीजिए खुद से, 3 से लेकर 4 दिन खुद ट्राई कीजिए, एक बार कॉल कीजिए उसके बाद एक बार टेक्स्ट छोड़ दीजिए। क्या कि अननोन नंबर से कॉल आता है तो बहुत जन नहीं उठाता, ये बिजनेस मैन लोग तो अननोन नंबर, मतलब अननोन नंबर से तो आप कॉल कर ही रहे हो तो वो फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके बाद क्या करना, आप एक टेक्स्ट छोड़ देना कि आई हैव अप्रोच्ड यू बिकॉज यू हैव अ रिक्वायरमेंट, कैन वी हैव अ कन्वर्सेशन, मे आई नो व्हाट इज़ अ फ्री टाइम। ठीक है, तो ऐसा करके आप अगर टेक्स्ट भी करते हो ना तो दे समहाउ ओके इसका नंबर सेव कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम कॉल आता है तो मैं उठा लूँगा। तो ऐसा करके अगर 3 दिन 4 दिन बाद भी अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है, देन व्हाट वी विल डू कि हम लोग भी थोड़ा बहुत क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये लीड सचमुच का फ़ोन उठा रहे हैं कि नहीं। अगर सचमुच का ये फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम लोग क्या, नहीं तो बोल रहा है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्लोज हो चुका है इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो हम लोग वो लीड हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ रिफंड नहीं करते, हम लोग लीड को रिप्लेस करते हैं क्योंकि हम लोग का बहुत सारा पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है एडवर्टाइजमेंट्स में, तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं लीड्स क्रॉस चेक करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हर लीड जेन्युइन रहेगा क्या? देखिए, हर लीड जेन्युइन रहेगा कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट्स, हर लीड एकदम जेन्युइन नहीं रहेगा। मतलब है कि ये जेन्युइनिटी ऐसा टफ क्वेश्चन है ना, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। जैसे हो गया कि अगर हम लोग बोलते हैं कि देखिए लीड्स आर वेरी जेन्युइन, मतलब है कि हम लोग के पास सोच लीजिए कि 100 लीड्स आए, उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत क्रॉस चेक कर लिए और है कि 100 लीड्स में से हम लोग 20-30 लीड्स को चुन लिए कि अच्छा लीड्स है। अभी ये लीड किसी को हम लोग सेल करने के लिए मार्केट में गए तो लीड्स हम लोग बेच भी दिए सोच लीजिए, फिर क्या है कि बहुत दिन उसका फ़ोन नहीं उठाएगा। मतलब हो कि आपको बोल रहा था ना कि कभी कभी दिमाग घूम जाता है क्लाइंट्स लोग का, मतलब है कि वो कुछ सोच लिया कि हाँ चलिए अभी नहीं चाहिए, मेरे को बाद में चाहिए, नहीं तो मेरे को और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। तो वो जेन्युइन ही लीड था लेकिन बाद में वो डिसीजन चेंज कर लिया, तो अभी कौन बोलेगा वो जेन्युइन है कि नहीं है? तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि देखिए लीड्स तो जेन्युइन है लेकिन 1 या 2 लीड्स मत लीजिए, एटलीस्ट 10 लीड्स लीजिए। ज़्यादा लीड्स लोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मतलब एक बार कॉइन मत उछालो, लॉ ऑफ एवरेजेस वही बोलता है, एक बार कॉइन मत उछालो, 10 बार उछालो तो एक ना एक क्लोज हो ही जाएगा। नेक्स्ट FAQ हो गया कि आई नीड अ सैम्पल लीड, मतलब हम लोग बहुत सारा लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते लेकिन मेरे को एक सैम्पल लीड दे दीजिए। देखिए हम लोग सैम्पल लीड तो हम लोग दे नहीं सकते, जैसे वही सेम चीज़ हो गया कि एक लीड मांग रहा है और एक लीड अगर 1000 कंपनी मांगने लग गया तो हम लोग गए काम से। इस सिनेरियो में ना हम लोग क्या कर सकते कि हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग, जो भी पुराना लीड लोग के साथ जो भी बातचीत हुआ था हम लोग का पहले, वो कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग भेज सकते हैं क्लाइंट्स का। और हो गया कि हम लोग कुछ कुछ डिटेल्स जैसे केस स्टडी भी भेज सकते हैं कि कौन सा डील हम लोग क्लोज किए थे जो लीड्स के साथ, है ना। तो ये अगर कोई सैम्पल लीड मांगता है तो हम लोग सैम्पल लीड नहीं दे सकते लेकिन हाँ सैम्पल रिकॉर्डिंग्स दे सकते। और है कि हम लोग फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स केस स्टडीज भेज सकते कि कैसे हम लोग क्लोज किए थे, है ना। और है कि अगर आप लोग लीड का जो पेमेंट मांग रहे हो वो खुद का अकाउंट में मत मांगिए, हम लोग का वेबसाइट में पेमेंट डिटेल्स दिया रहेगा और है कि आपका व्हाट्सएप में भी हम लोग सेंड कर देंगे। कोई भी अपना पर्सनल अकाउंट में पेमेंट मत लीजिएगा, कंपनी का अकाउंट है ऑलरेडी, करंट अकाउंट ही है। और है कि सोच लीजिए कोई भी अगर पेटीएम में भेज रहा है, नहीं तो गूगल पे में भेज रहा है, सब कुछ करंट अकाउंट में जाता है। तो हो गया कि उधर करंट अकाउंट जो गूगल पे का नंबर है वो है 9790651816, सिर्फ यही नंबर में आप लोग भेज सकते हो गूगल पे, फ़ोनपे, नहीं तो पेटीएम में। कोई भी क्लाइंट को अगर पे करना है इधर ही पे करने बोलिएगा। और है कि करंट बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी
सिटी यूनियन बैंक में, वो हम लोग भेज देंगे आपको। अगर आपके पास है नहीं तो आप पूछिएगा, हम लोग शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप में। ओके, तो यही है FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको क्लाइंट कुछ भी पूछता है तो शायद ये वीडियो आपको काम आएगा। और ये और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ FAQs जो भी आएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, हम लोग उधर आपको शेयर कर देंगे। और है कि नीचे जो लोग अभी तक समझे नहीं है, नहीं तो कुछ भी इंक्वायरी है, प्लीज़ नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर इंक्वायरी कीजिए। सब कुछ आपका जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, और वही है, स्टे वाव, स्टे ब्लास्टिस्टिक, स्टे होम, स्टे सेफ। और है कि हैप्पी न्यू ईयर, अभी बंगालीज हैप्पी न्यू चल रहा है, तो इन बंगाली वी से शुभ नव वर्ष। सो शुभ नव वर्ष, बाय बाय, चला।